है गाइज सो गाइज अब अपन क्या करने वाले हैं ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट से पहले आपको देखने चाहिए या फिर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उन क्वेश्चन का हम उनको डिस्कस करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू होगी नीट के पहले तक जब तक क्योंकि क्या होगा ना जिससे आपको भैया मिक्स बैग में एक मोटिवेशन मिलेगा येस यू डिड दिस करेक्ट सो गाइज बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन दिस इज क्वेश्चन नंबर वन नाउ वी हैव बिन आस्ड अबाउट डाविस फिंचेस ओके नाउ द डाविन्स फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ हमको पता है सर डावि फिंचज गैलापैगोज आइलैंड में मिला था एंड गाइज दे आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन दे आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एडप्टिव रेडिएशन ओके द एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डैश ना नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर आपको याद आ रहा होगा हम पढ़े हैं इस चैप्टर को है ना इसमें क्या होता इसमें complex, है इसमें मोलिपडेनम और आयरन का कॉम्प्लेक्स एम ओ एफ ई बोलते हैं तो मोलिबेनम एंड आयरन डेन नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें याद आ रहा होगा अगर आपको याद करना है तो इससे रिलेटेड लेग हेमोग्लोबिन है दैट इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर सो गई आशा करता हूँ यार ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो सो गई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप रूट टिप के ग्रोथ के लिए क्या एसेंशियल है चलिए सेम क्वेश्चन फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन उसमें लिख दिया गया है कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप एंड ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेंडल फाइब बेसिकली स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी कैल्शियम आयन का नेसेसरिटी है चलिए नेक्स्ट करते हैं नाउ पेरीपैटस पेरीपैटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डैश एंड डैश मैं बता देता हूँ एनेलिडा और अर्थ्रोपोटास गई so, अगर आपको इसका नोट्स नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दे दिया गया है चैनल का आप ज्वाइन करिए और रिवोल्यूशन के नोट्स को वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर नाउ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्ब ऑफ सोडियम सो गईज एक्टिव का मीनिंग क्या होता है सबको पता एक्टिव मीन्स एनर्जी लगेगी एनर्जी मीन्स ए टी पी लगेगी सो गई इस आंसर विल बी पी सी टी टूब्यूल जहां पर एनर्जी खर्च करके सोडियम को रिओब्सॉर्ब किया जाता है ना विच ऑफ दॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी इंट्राउट बेसिकली हॉर्मोन रिलीजिंग कौन सा है तो आइए देखते हैं लिप्स लुप इज इनर्ट आईडी कॉपर सेवन और मल्टीलोडी फाइव इज आयर रिलीजिंग आईओडी एंड ये एल एनजी ट्वेंटी दिस इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी ओके आगे बढ़ते सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक कैरेक्टर इन ह्यूमन बींग सर ह्यूमन बींग के लिए ओनली पूछा आपको कि भाई कैरेक्टर ह्यूमन बींग के लिए बोलते हैं ना सर ह्यूमन बींग के लिए यूनिक क्या है आंसर विल बी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन बींग में मिलता है तो आंसर विल बी सेल्फ कॉन्शियसनेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डन इम्राइव मोर देन सिक्सटीन ब्लास्टोमिया तो ब्लास्टोमिया रोग मोर देन सिक्सटीन जब मोर देन सिक्सटीन हो गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको उसको कहाँ पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा उसको आप ट्रांसफर करोगे यूट्रेस में यूटरेस में ओके क्योंकि सर फेलोपियन ट्यूब में अगर आपके पास जयगोट या मोरूला होता देन यू कुड हैव ट्रांसफर दैट टू जयगोड और मोरूला को आप ट्रांसफर कर सकते थे फैलोपियन ट्यूब में बट आपके पास सिक्सटीन ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो आप उसको यूटरेस में करोगे और इस प्रोसेस का नाम है आई यू टी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवरल हार्मोन्स लाइक एच सी जी एच पी एल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन आर आर प्रोड्यूसड बाई स एक लाइन में आंसर प्लासेंटा दीज ऑल आर प्लासेंटल हार्मोन्स सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश फंगल सेल वॉल इज मेडअप ऑफ डैश फंगस का पूछा अगर मैं एक नाइम नाम बताऊँ चाइटिन बोलते हैं एंड दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ एनर्जी नैग नैग अगर नहीं पढ़ा है तो बायोमोलिक्यूल की सीरीज भी आ रही है उस टाइम जरूर देखिएगा ओके okay. चलिए नाउ विच ऑफ द आर जॉलेस फिश जॉलेस फिश एनिमल किंगडम का क्वेश्चन लैम्प्रेज एंड आर जॉलेस फिश ओके सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नाउ द ऑर्गेनिज्म हैव सिंपल सेल स्ट्रक्चर बट हैविंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बिलोंग टू द किंगडम मतलब सेल स्ट्रक्चर सिंपल है बट बहुत कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें बहुत वैराइटीज मिल रही है आंसर विल बी मोनेरा मोनेरा कौन सी का किंगडम है बैक्टीरिया का चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द सीक्वेंस ऑफ लेयर इन बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड फ्राम आउटसाइड टू इन साइड इस डैश सबसे पहले कैप्सूल होता है बाहर की तरफ कैप्सूल या स्लाइन लेयर भी बोलते हैं अगर लूजली या ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं उसके बाद क्या आना चाहिए सेल वॉल देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड नंबर वन विल बी द आंसर सो गई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव अ सिंगल ओपनिंग ओके टू द आउटसाइड दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस सो गाइज इसका आंसर क्या हो सकता था इसका आंसर अगर आपको याद है सर यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट करो तो आपको मिलेगा प्लेटी हेलमेंथिस का किंगडम में ओके okay, क्या किंगडम थोड़ी थी वो क्या था फाइलम फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस डैन ओके एनिमल किंगडम के अंदर ही सब आ रहा है वो है ना क्लियर हुआ एनिमल किंगडम के अंदर सो गाइज वॉट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस विल बी फैस्यूला फैसियोलास फैस्योला प्लेटी हेलमेंथिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओके okay. ना मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि प्लेटी के पास बेसिकली कितना जर्म लेयर होता है बेसिकली अपन पढ़ते हैं ना कि अगर आप बोलते हो ये सर ये क्या है सर जी बताइएगा डिप्लो ब्लास्टिक ट्रिप्लो ब्लास्टिक ये बता दीजिए एंड एक और भी एक बात बताइएगा सिलोंग कैसा होता है इसके पास मीन्स कैविटी चलिए अब आ गया सर सिलोम का क्वेश्चन सिलोंग इज द बॉडी कैविटी विच इज़ इंक्लोज बाय डैश सिलोम अगर आ गया सर जी तो दैट इज लाइन बाय मैसोडाम ऑन बोथ साइड क्यों क्योंकि उसमें जो सर्कल रहता है ना पहले एक्टो आ गया उसके बाद जो मेसो होता है ना सर जी मेसो में कैविटी आ जाती है और दोनों जगह मेसो रहता है बीच में अगर आपका गट है तो ठीक है दोनों जगह मेसोडम से लाइन रहता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बायोल्यूमिनसेंस इज एग्जिबिटेड बाय बायोल्यूमिनसंस का प्रॉपर्टी इज एक्जिबिटेड बाय याद करिए एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है टीनो प्लाना होता है याद आ रहा है तो उसका क्या है भैया उसका फाइलम क्या है टीनो फोरा याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट करते हैं द रिमूवल ऑफ लीड एंड इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम द पेट्रोल यूज इन ऑटोमोबाइल इज नेसेसरी क्यों सर लीड क्यों हटाओगे आप क्योंकि देखिए अगर देखिए अगर लीड रहा ना पेट्रोल में वो हमको बहुत हार्म पहुंचाता है ह्यूमन को दैट कैन कॉज कैंसर ऑफ स्किन दैट कैन इम्पेयर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑल्सो एंड दैट हैम्पर्स बिकॉज देखिए जब वो रेस्पिरेशन को इम्पेयर कर रहा है वो हमारे हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन को भी इम्पेयर करते हैं इसके कारण दिस इज़ वेरी फेटल दिस इज़ वेरी फेटल चलिए याद रखिएगा नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स गेट डिस्टर्प्टेड ड्यू टू द इफेक्ट सो गाइज वट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है ना सर जी अगर डिस्टर्बड हो रहा है किसके कारण डी के कारण ठीक है डी याद आया ये है बायो मैग्निफिकेशन दिस इज बेसिकली बायो मैग्निफिकेशन अगर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भैया ये तुम्हारे लेक या पौंड में चली गया चले गए उसके बाद फाइटो प्लैंटन से जू प्लैंकटन देन उसके बाद आपके पास स्मॉल फिश देन लार्ज फिश और उसके बाद उसको जब बर्ड्स ने इनटेक कर लिया तो बर्ड्स के अंदर डी का अमाउंट बढ़ गया सो so गए ये होल प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन जिसमें डी का कंसनट्रेशन ईच ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाता है चलिए नेक्स्ट इन फूड वेब ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हैज डैश फूड वेब पूछा सर जी फूड वेब में अगर एक एक ट्रॉफिक लेवल आप जितना अबव जाओगे ना तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए आंसर क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी ट्रांसफर टेन परसेंट लॉस ही होता है तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो हाँ तो फिर क्या होना चाहिए लेस टोटल एनर्जी आंसर विल बी लेस टोटल एनर्जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया सर विच आर द फॉलोइंग शोज पर्ल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ ओके बेसिकली पर लॉजिस्टिक बोला है कि सर जी वर्ल्ड का पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कौन सा है तो हमको पता है सर डी एन डी टीवल्स टू आर एन देन यहां पे ट्रिक होती है सर याद रखने वाली के माइनस एन बाई के मतलब वन माइनस एन बाई के अगर बेसिकली आप इसको डिवाइड कर दो दोनों जगह तो के बाई के इज इक्वल टू वन तो वन माइनस एन बाई के ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आई होप सर आपका सही जा रहा होगा सारे नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर कम करना है मान लीजिए अगर नेटिलिटी तो नेटिलिटी में क्या होता है बर्थ रेट होता है वो तो इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी मॉर्टेलिटी मीनिंग क्या होती है अगर कोई मर रहे हैं तो ऑब्वियसली डेथ रेट क्या हो रहा है मतलब डेथ रेट हो रहा है डेथ बढ़ रहा है वहाँ पे अगर मॉटिलिटी ज़्यादा है तो तो वो क्या करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेगा और इमिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है इमी मतलब इन मतलब इन मतलब अंदर आ रहा है और एमी मतलब एग्जिट कर रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए किसके कारण भैया पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी आंसर विल बी मॉर्टिलिटी और एमीग्रेशन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ए प्लाजमेड टू बी यूज एजटर ओके ना यहाँ पे अगर आपको और दो तीन ऑप्शन गंदे दिए रहते तो आप नहीं हिट करते आप इसमें एक को चूज करते ओरी को आप चूज कर सकते लेकिन यहाँ पे तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर आपके पास ओ है आपके पास सेलेक्टेबल मार्क नहीं है तो आप कैसे उससे एक्सट्रैक्ट करोगे आपको जो फ्रैगमेंट चाहिए या फिर आपको कैसे इंसर्ट करोगे बेसिकली आप इंसर्ट के लिए और बोलोगे सर जी कैसे इंसर्ट करेंगे क्योंकि अगर आपके पास सिलेक्टेबल मार्कर नहीं आप पहचान नहीं पाओगे सबसे पहली बात और रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस किस लिए चाहिएगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट कट्स कर रहे हैं तभी तो आप इंसर्ट कर पाओगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोगैस इसका आंसर क्या होता है नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलिंग ऑर्गेनिजम इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग सर ह्यूमन इंसुलिन इज ऑल्सो गोल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला ह्यूमुलिन बोलते हैं ह्यूमुलिन ठीक है ह्यूमुलिन याद रखेगा दैट इज मेड विद हेल्प ऑफ ई कोलाई इशक्रेशिया कोलाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर बायो बिग होल्स इन द स्विस चीज ओके स्विस चीज़ वो जो टॉम एन जेरी वाला जो चीज़ होता है ना सर वो वाला बोला गया है टॉम एन जेरी वाला चीज़ ओके ओके टॉमन जेरी वाला चीज़ अगर आपको याद आ गया हो टॉम एन जेरी वाला चीज़ तो सर आई थिंक आपको समझ गया होंगे आप जैसे बड़े बड़े होल्स होते हैं टॉम एंड जेरी वाला सो so, सर so, वो किससे बनता है वो बनता है बैक्टेरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली दिस दैट होल इज ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओके चलिए इसको मार्क कर देते हैं तो बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया का नाम क्या है प्रोपाइनो बैक्टेरियम शामानी ओके okay. चलिए सर अब एक आज हमारा अभी का लास्ट क्वेश्चन आपको मैचिंग करनी है डन मैचिंग चलिए ईसी जी बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये अल्टीमेटली आपके हर्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है चलिए अपन इसको देख लेते हैं हर्ट का नंबर टू ए का टू देख लिया अपन ने डन ए का तो टू सब ने ताला लगा लिया अब आती सर सी बारी आप बोलेंगे आप तीन में कन्फ्यूजन है आई इनके फैलस मतलब ब्रेन इनके फैलो मतलब ब्रेन ना तो बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड होगा तो आंसर क्या बचता है डी का थ्री है ना ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन ये देख लिया जब ए और डी देख लिया तो आंसर नंबर डी आप लगा दोगे इजीली ए का टू एंड डी का थ्री इससे बड़ा कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा आप लोग क्लियर कर लियो ऐसे करना है एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है एलिमिनेट करना सीखिए और आपका आंसर निकलते जाएगा सो गाइस आशा करते हैं यार आज की वीडियो अच्छी लगी हो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा यार नहीं किया है तो कर लीजिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक दे दी गई है नीचे चलिए थैंक यू सो मच